बारिश के मौसम में नालियों और ड्रेनेज के कामों से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देगांव चार अम्बेडकर रोड पर ड्रेनेज के कामों की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि कॉन्ट्रैक्टर ने तामीराती कामों को ठीक से मुकम्मल नहीं किया और पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई लाइन को बुझाया ही नहीं गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर के अधूरे काम की शिकायत के बाद कॉर्पोरेटर ने लाइन को दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन काम फिर भी कानूनी तरीके से नहीं किया गया है। बना ही नहीं, कुछ नहीं तोड़ा। देखो अभी तुम्हारे सामने है ना, अभी आने जाने की तकलीफ साहब। ये ईट के पहले से हाँ 15-20 दिन हो रहे, 15-20 दिन हो रहे। अभी ठीक करो ये इसको। हाँ ये पूरा ठीक करो, बच्चे गिर रहे। ये जो गुत्तेदार ने क्या किया है, रमज़ान से पहले खोद दिया है और जो काम थत्थर मत्थर करके छोड़ दिया, तकरीबन काफ़ी लोगों को जो है तो दिक्कतें वगैरह जा रही है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। लिहाजा प्रशासन ने इसके ऊपर गंभीर दखल लेकर काम जल्दी से जल्दी करना, ये हमारी गुजारिश। ये ड्रेनेज लाइन नई न्यू ड्रेनेज लाइन के लिए खोदा गया था, अब बिछा है, लेकिन उन्हें जैसा काम करना वैसा काम नहीं किया। नगर सेवक ने काफ़ी हेल्प किया, नगर सेवक ने जो है तो रास्ते में मलबा गिरा था, लोगों को आने जाने नहीं आ रहा था, और नगर सेवक ने अपने खुद जाती खर्च से वो मलबा उठा दिया। गुत्तेदार के खिलाफ ये है कि भाई गुत्तेदार ने जो है तो अधूरा काम किया और बिल उठाने की कोशिश में, लिहाजा प्रशासन ने जब तक काम पूरा मुकम्मिल न होता उसको कोई बिल वगैरह न दिया जाए, ये हमारी और महिला वालों की तरफ से हमारी गुजारिश है।